रूस और यूक्रेन में अब कांटे की टक्कर होने लगी है। एक ओर जहां यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रूसी इलाकों में घुसपैठ बढ़ा रहा है, वहीं पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी है। एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच तनाव का माहौल गर्मा गया है। ना रूसी राष्ट्रपति रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेनी राष्ट्रपति झुकने को तैयार है। दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार के चलते आम लोग डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ढाई साल से चली आ रही जंग किसी नतीजे पर पहुंचती नजर नहीं आ रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के पश्चिमी देशों से की जा रही मांग पर बड़ा पलटवार किया है। दरअसल रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेन पश्चिमी मिसाइलों को रूस में गहराई तक हमला करने की इजाजत चाहता है, जिसे पश्चिमी देश फिलहाल सोची समझी रणनीति के तहत अनुमति देने से घबरा रहे हैं। दावा है कि पश्चिमी देशों ने अपने कुछ ही हथियारों के रूस के भीतर तक इस्तेमाल की मंजूरी दी है, मगर लंबी दूरी के कई पश्चिमी देशों के खतरनाक हथियारों के रूस के अंदर तक इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। हालांकि रूस के बढ़ते हमलों के चलते ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा है कि जल्द ही पश्चिमी देश इस पर नरमी बरतते हुए ढील दे सकते हैं। इस पर अब रूस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम के देशों को सख्त हिदायत दी है। रूस ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देश आपसे खेलने का काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगातार दो दिन हवाई हमले करने के बाद अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने तल्ख लहजे में कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान हालात ऐसे ही रहे तो तीसरा विश्व युद्ध यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल यूक्रेन ने बीते 6 अगस्त को रूस के पश्चिमी कुरस्क पर हमला किया था। दावा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये रूस पर सबसे बड़ा विदेशी हमला है, जिस पर यूक्रेन ने कब्जा जमाते हुए अपने इलाके में शामिल करने का ऐलान किया। इस पर रूसी राष्ट्रपति ने कुरस्क हमले को यूक्रेन का उकसावे भरा कदम करार दिया था। साथ ही यूक्रेन को जवाबी हमले के लिए भी तैयार रहने की वार्निंग दी थी। माना जा रहा है कि अब रूस ने यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहरों पर हवाई हमले कर बुनियादी ढांचों को तहस नहस कर अपना बदला पूरा किया है। अमेरिका समेत नेटो देशों के लगातार यूक्रेन को सहयोग देने पर भड़के रूसी विदेश मंत्री ने भी दो टूक कहा है। 20 साल से ज्यादा समय तक रूस के विदेश मंत्री रह चुके सरगेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। विदेशी सप्लाई वाले हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों को ढीला करने के यूक्रेनी अनुरोधों पर विचार कर परेशानी को बढ़ावा दे रहा है। अब हम एक बार फिर साफ करते हैं कि वह आग से खेल रहे हैं, वह माचिस से खेलने वाले छोटे बच्चों की तरह हैं। ये उन विकसित देशों के लिए बहुत खतरनाक बात है जिन्हें किसी न किसी पश्चिमी देश में परमाणु हथियार सौंपे गए हैं। अमेरिकी साफ तौर से तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बातचीत को ऐसी चीज के रूप में जोड़ते हैं जो भगवान ना करे अगर ऐसा होता है तो एक खास तौर से यूरोप को प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि रूस के कुरस्क इलाके में जबरदस्त हमला कर सुर्खियां बटोरने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के कुरस्क पर हमले से पता चलता है कि क्रेमलिन की जवाबी कार्रवाई की धमकी मैच एक धोखा थी। अगर यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मंजूरी मिल जाती है तो यूक्रेन रूस के कई सैन्य टारगेटों को निशाना बना सकता है, रूस पर दबाव बना सकता है। यूक्रेन भी रूस को कीव की तरह बड़ी चोट देने का दमखम रखता है। यूक्रेन के पास कई ऐसे घातक हथियार हैं जिन्हें वह पश्चिमी देशों के रोक के चलते रूस पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। кожен такий удар знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень. दरअसल रूस ने कुरस्क में हमले के दौरान यूक्रेनी सेना की ओर से ब्रिटिश टैंकों और अमेरिकी रॉकेट सिस्टम समेत पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया था। खुद यूक्रेन ने भी कुरस्क में पुलों को तबाह करने के लिए अमेरिकी हिमारस मिसाइलों के इस्तेमाल की पुष्टि की थी। विवादों में वॉशिंगटन का नाम आता देख अमेरिका ने कहा कि उसे कुरस्क में अचानक हुए हमले से पहले यूक्रेन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने यूक्रेन के इस ऑपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया था। इस पर पुतिन के विदेश खुफिया प्रमुख सरगेई नारिशकिन ने कहा कि मॉस्को पश्चिमी दावों पर विश्वास नहीं करता है कि उसका कुरस्क हमलों से कोई लेना देना नहीं है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव ने कहा कि अमेरिका की भागीदारी एक स्पष्ट तथ्य थी। वहीं रूसी दावों को बल तब मिला जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेनी हमले के बाद के दिनों में यूक्रेन को सैटेलाइट इमेजरी और कुरस्क के बारे में बाकी जानकारियां साझा की थी। खुफिया जानकारी का उद्देश्य यूक्रेन को रूसी सैनिकों पर बेहतर नजर रखने में मदद करना था।